तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम चर्चा कर रहे थे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, तो अब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में हमारी जो अंतिम राशि है मीन राशि उसके बारे में, और बताएंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए ये जो अक्टूबर का तीसरा वीक है वो कैसा बीतेगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं 15 से 21 अक्टूबर के लिए, और ये आपका राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। साथ ही हम आपको बता देते हैं, अगर आपकी मीन राशि है तो चंद्रमा 12 नंबर के साथ आपकी लगन कुंडली में किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, फिर भी आपको आपकी राशि का पता नहीं है तो आप अपने जो प्रचलित नाम है उसके हिसाब से राशि का पता कीजिए और उसके अनुसार वीडियोस को देखिए। सबसे पहले चर्चा करेंगे 15 और 16 अक्टूबर के लिए। 15 और 16 अक्टूबर को चंद्रमा जो कि आपके सप्तम स्थान में ट्रांजिट करेंगे, सप्तम स्थान में ये कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में इनका गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय कहा जा सकता है। आप मेहनत कितनी भी कर लीजिए, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने बिजनेस में अपने जॉब में उतना ही फायदा आपको इस समय में होगा। साथ ही मैरिड लाइफ में कोई इश्यू चल रहा था वो आपका दूर हो जाएगा, मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपके पार्टनर का सहयोग आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस समय में आप नई साझेदारी कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी के साथ, और साझेदारी भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर आपके लिए ये समय स्टार्टिंग का जो समय है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। शुरुआती 2 दिन में आप कोई नई पार्टनरशिप करिए, पार्टनरशिप में आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। इस समय में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर पाएंगे, उनके साथ का जो आपका रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ चंद्रमा आपके राशि स्थान को देख रहे हैं, तो राशि स्थान को देखने से आप हालांकि भावुक रहेंगे लेकिन आप डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे और क्विक डिसीजन लेंगे जिससे आपको फायदा ज़्यादा होगा। आप समय पर डिसीजन ले पाएंगे जिससे कोई भी काम को आप समय पर पूरा भी कर पाएंगे। इसके साथ ही देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे 17 और 18 अक्टूबर को, तो चंद्रमा आपके लिए तुला राशि में गोचर करेंगे जो कि आपके अष्टम स्थान में होंगे। अष्टम स्थान में चंद्रमा का ये गोचर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है तो अचानक धन का नुकसान करवा सकता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो सकता है और कहीं पर अचानक से आपको कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। अगर आपकी चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, आपको पैतृक संपत्ति से या अपने ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। साथ ही साथ आप की जो रुचि है वो रहस्यमयी बातों में रहेगी, रहस्यमयी कहानियों में और अकल्ट साइंसेज में, ज्योतिष या फिर पामिस्ट्री में या फिर वास्तुशास्त्र में या फिर और भी किसी भी जो फील्ड है ऐसा उसमें रहेगी। तो कुल मिलाकर ये समय अच्छा भी कहा जा सकता है और कुछ मामलों में बुरा भी कहा जा सकता है। ये समय में आपको कोई भी काम का बर्डन नहीं लेना है, कोई भी अतिरिक्त काम का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना वरना आपको ज़्यादा परेशानी होगी। इस समय में अचानक धन प्राप्ति के कई योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो आप अपनी वाणी के माध्यम से बहुत लोगों को इस समय में प्रभावित कर पाएंगे और आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर पाएंगे। आप अपनी खान पान की आदतों पर काफ़ी ज़्यादा इस समय में ध्यान देते हुए नजर आएंगे, तो ये समय काफ़ी अच्छा है, इसका जितना आप सदुपयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद की जो स्थिति रहेगी चंद्रमा की वो आपके भाग्य भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे जो कि यहाँ पर नीच की स्थिति में रहेंगे। अब यहाँ भी अगर आपके चंद्रमा आपकी कुंडली में वीक स्थिति में है, कमजोर हैं, तो भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा क्योंकि चंद्रमा नीच की स्थितियों में भी है, पिता के साथ भी अनबन रह सकते हैं, पिता का भी उतना सहयोग नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका चंद्रमा काफ़ी अच्छा बैठा है कुंडली में तो पिता का भी सहयोग मिल जाएगा, नीच का चंद्रमा होने के बावजूद भी आपको अच्छा सहयोग मिल जाएगा। साथ ही आप अपनी हायर एजुकेशन में अच्छा कर सकेंगे, आपका जो भाग्य है साथ देगा, पूरा पूरा साथ देगा, और कहीं पर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपका शास्त्रों के अध्ययन में जो ध्यान है वो बढ़ेगा, आप ध्यानमग्न होकर अपनी स्टडी कर पाएंगे, आप बहुत कुछ ऐसा सीख पाएंगे जो धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम का है। तो ये समय बहुत अच्छा है वैसे तो, लेकिन चंद्रमा नीच के हैं, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर चंद्रमा थर्ड हाउस को देखेंगे, थर्ड हाउस को देखने से आपको अचानक अचानक यात्राओं के योग बनेंगे, कई कई बार छोटी छोटी दूरी की यात्राएं आपकी होंगी और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इस समय में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है और इस समय में हम ये कह सकते हैं आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर करना आपके लिए भाग्य की ओर से काफ़ी अच्छा सहयोग दिलाएगा।
इसके अलावा आप कहीं दूर जाना चाहते हैं अपने ही स्टेट में या फिर किसी अदर स्टेट में भी जाना चाहते हैं किसी काम से, तो आपका वो काम जरूर बनेगा। इसके बाद की अगर स्थितियों को देखा जाए तो चंद्रमा आपके दसवें स्थान में गोचर करेंगे और ये चंद्रमा का गोचर आपके लिए 21 तारीख को होगा। 21 अक्टूबर को चंद्रमा का आपके दसम में गोचर होने से जो जातक अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको जॉब अचानक मिल सकती है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको अचानक अपने बॉस का अच्छा सहयोग मिल सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर अपना काम करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, वहाँ भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो प्राइवेट और जो सरकारी नौकरी दोनों के लिए ही बहुत अच्छा चांस रहेगा। अब जो लोग या जो जातक अभी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में कोई भी दिया हुआ आपका एग्जाम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा है और जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस अपने काम पर ही रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा यहाँ से आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे। फोर्थ हाउस पर चंद्रमा की दृष्टि होने से आप घर में काफ़ी सुकून से रह सकेंगे, आपके घर का वातावरण आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, माताजी के साथ एक अच्छा रिलेशन आपका रहेगा, माताजी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उनका आप पूरा पूरा सहयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है और इस समय में आपको हर जो आप काम करना चाहेंगे उसमें सफलता मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए शुभ अंक और रंग की। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 4 और आपके लिए शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा ब्लैक। तो फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।